तो कैसे हैं आप लोग? मैंने अपनी 20 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है, प्यार, धोखा, बकचोदी, ज्यादातर बकचोदी, लेकिन आज जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं वो है एक ट्रायंगल, लव ट्रायंगल। किसके बीच? एक लौंडा, एक लौंडिया और ई बॉम्बे। आजकल के सीरियल अलग ही दुनिया में खेलना है। पहले सही होता था यार, एक बड़ा सा घर होता था जिसके अंदर परिवार के नाम पे पूरा गांव रह रहा है। भांजों के भी भांजे रह रहे हैं, मौसियों की भी मौसियां रह रही हैं और अनगिनत पापा, छोटे पापा, बड़े पापा, उनसे बड़े वाले पापा, सबसे बड़े वाले पापा और उनके भी पापा, जिनसे सबकी गांठ फटती है। खैर, पूरा शो एक दूसरे की जिंदगी झंड करने में निकल जाता था। लेकिन अब इस नए दौर में बहू छिपकली का रूप लेके सास की गर्दन पे चिपकी, कुछ भरोसा नहीं है। खैर, आज हम कुछ ऐसे ही जिंदगी पर सवाल उठाने वाले सीन देखने वाले हैं। तो आओ यार, अपने नाखून चबाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। कॉन्टेक्स्ट। थपकी और उसका परिवार रोजाना की बकचोदी से दूर चिड़ियाघर में आए हैं प्रोटेस्ट करने, लेकिन फिर अचानक थपकी आ जाती है। एक मिनट भाभी, क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए आप लोग। बट नो वन केयर्स। आ रहा हूँ बहनचोद, गाने गुच्छो इंसान के। फिर पुलिस आ जाती है और सब गान फटी में भाग जाते हैं, लेकिन चांडाल चाची अभी भी वही हैं। अब आगे, जब से बिहान ने उस बुढ़िया को यहाँ लाने का ऑर्डर दिया है, तब से मैं सोच रही हूँ कि उससे बदला कैसे लूँ। अब देखना, मैं तुम्हारी ही पत्नी को इस गोरिल्ला के हवाले करूंगी। इसकी मोटर कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। जब मैं गोरिल्ला को देखता हूँ तो मुझे लगता है, नहीं भैया दूर रहो, कान फाड़ सकता है। लेकिन जब ये गोरिल्ला को देखती है, इसे दिखती है अपॉर्चुनिटी, मौका, मौका बदला लेने का। किस बात का बदला? किसी को लंड फर्क नहीं पड़ता। अपने हाथ में ताला लेके पत्थर मार रही है। ओ चौथी फेल मैडम, ये कैसा सनसनी चूतिया पाए? नहीं, ऐसे टूटते ताले। तोड़ दिया बहन चोद, शाबाश। ये कौन सा चिड़िया घर है? दिन दहाड़े ताले तोड़े जा रहे हो, कोई देख ही नहीं रहा? मतलब जानवर जा रहा है तो जाए, मार चुदाए। हम यहाँ बैठ के खाएंगे, हिलाएंगे और सो जाएंगे। वेरी गुड, बस अब थपकी को किसी भी तरह यहाँ लेकर आना है। हमें तो पता नहीं था आप जानवरों से बात कर सकती हो। अरे मेरे साथ चलो, एक हिरण को अपनी स्टेटमेंट लिखवानी है। ये औरत बदला ले रही है या प्रैंक कर रही है? जो भी कर रही है, मान नहीं रही है। गोरिल्ला के लिए फोन छोड़ दिया जिसपे घर की लोकेशन व्हाट्सएप कर रखी है, उसको फॉलो करके गोरिल्ला इनके घर आ जाता है। कमाल है महंचो, ऐसा चलाक गोरिल्ला इतने चूतिए से पार्क में कर क्या रहा था? रुक गोरिल्ला, उसने तुझे फोन दिया है ना, मैं तुझे ईयरफोन्स और स्पीकर्स दूंगा। ओए इधर आ। अबे तकिया फेंका है। कितना खतरनाक गोरिल्ला है, तोहफे फेंक रहा है, तकिए फेंक रहा है, बिस्तर खराब कर दिया। इतना रियलिस्टिक आतंक दिखाते कैसे हैं ये लोग? वैसे तो गोरिल्ला छाती पीट दे इंसान की, लेकिन यहाँ तो कैचुम कैच चल रहा है। अरे ये क्या कर रहे? ओ, लग गई। किसने कही थी विराट कोहली बनने को? जबरदस्ती कैच पकड़ रही है। ये सही है, पहले खेलो और फिर जब लग जाए तो। इसका मतलब ये मुझे चोट नहीं पहुंचाना था? इसका मतलब तुझे पालतू रखना चाहता है वो। खुद से मतलब मत निकाल, गोरिल्ला है, फाड़ के निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगी। खैर, इतनी देर में दोनों छोटी बड़ी भाभी गोरिल्ला को देख लेती है और उसके कान फाड़ देती है। फिर पूरा खानदान आ जाता है और गोरिल्ला को भगाने की नाकाम कोशिश करता है। भाभी जी, वो गोरिल्ला है, कुत्ते का पिल्ला नहीं। वो भी बेचारा सोच रहा होगा, मेरे कोई औकात ही नहीं छोड़ी, बहन चो कुत्ता बना दिया। लेकिन इस घर में सबसे चलाक है थपकी। वो अपने फोन में गोरिल्ला को खोल के कुछ ऐसा दे देती है जिसे देख के गोरिल्ला अगला एपिसोड।
कॉन्टेक्स्ट। थपकी और उसका परिवार गुरिल्ला को चकमा देके भाग रहे होते हैं, अचानक वो उनके सामने आ जाता है। फिर गुरिल्ला थपकी के पति को थपकी देके उसकी थपकी को बंदी बना लेता है और साइड में एस्थेटिक्स के लिए गैस भी लीक कर रही होती है। अब आगे बयान, ये क्या कर रहा है? गन नीचे कर। बयान, चिड़ियाघर से लोग आ गए हैं, बेहोश करने का इंजेक्शन है इनके पास, उसके लगते हैं ये गोरिल्ला बेहोश हो जाएगा। ये हार्पिक की ड्रेस में चार चूते गोरिल्ला बेहोश करेंगे? अच्छी लल्ट ने मेरा। प्लास्टिक की बंदूक से बैक्टीरिया मारने आए हैं। ऐसा चंट चूतिया मैंचर पति देखा तुमने कभी? इससे पूछो अगर माँ बाप को रिश्ते के लिए मनाना हो तो कैसे मनाएंगे? सॉफ्टी मार बाजी को सॉफ्टी खिलाएंगे। बेटा दुनिया आगे बढ़ जाएगी, तुम सॉफ्टी खाते रह जाओगे। सारे घर वालों के रिएक्शन एक ही बारी में नाप दिए और भाभी जी के तो 50 रुपए काटो। क्या सीन है, अलग ही पैशन है इनका। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज पे यही रिएक्शन होता है। कल मैं चाय बना रहा था और दूध फट गया। 1 2 का 4, 4 2 का 1। अब घर की सबसे चलाक सदस्य थपकी एक प्लान बनाती है। आप अपनी बंदूक नीचे रख दीजिए। इतनी उम्मीदें थी गोरिल्ला से, भैंचो नकलची बंदर बना दिया। अभी डमरू बजा नाच के और दिखाएगा। अब चलो यार, बस क्लाइमेक्स की तरफ चलो, और नहीं झेला जा रहा है। थपकी की चतुराई। वाह, क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है। एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। साले इन शो बनाने वालों को कोई गोली खिलाओ, क्योंकि ये लोग हकते जा रहे, कोई सीमा ही नहीं है। और ये साला गोरिल्ला है कौन? मैं पिछले 10 साल से फिजिकल थिएटर में हूँ और क्लाउन थिएटर में हूँ, और उसी की वजह से मैं आज ये सब बहुत ही बहुत इजीली कर पा रहा हूँ ये सारी चीजें। अबे साले, जब माफ करना मैं जो। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, ये शो चलते रहेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ करने को है नहीं। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 1.7 1.7 मिलियन लाइक्स के लिए। अगर नहीं हुए ना तो गान में गोली मार दूंगा। और मीवी की सेल चल रही है उनके टॉप 20 प्रोडक्ट्स पर। मेरा पर्सनल फेवरेट है मूनस्टोन, क्योंकि उसे कहीं पर भी ले जाओ कोई सीन ही नहीं होता है। बैग में टांग लो पीछे और चल दो, कोई टेंशन ही नहीं है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे प्यार की थपकी दे दो। खैर, मेरी तरफ से सभी लोगों को नए साल की मुबारकबाद। नया साल आएगा, नई बकचोदी लाएगा। बाय। मोहित कोयले लगाते हाथ।